ओके गाइस, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 सॉल्यूशंस। ओके, अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.3। अब देखिए 2.3 में अपन को रिमाइंडर फाइंड करना, क्लियर, रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करने की टू मेथड, एक तो लॉग डिवीजन मेथड होती है और दूसरी होगी फैक्टर थ्योरम या कि रिमाइंडर थ्योरम, क्लियर। तो अपन डिस्कस करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स गिवेन है एंड सेकेंड पॉलिनोमियल क्या है जी एक्स है, एक पी एक्स हो गया और एक जी एक्स हो गया। अब मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल यहां पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, क्लियर, जी एक्स इक्वल टू गिवन है क्या एक्स प्लस थ्री। अब इसमें अपन को रिमाइंडर फाइंड करना, क्लियर, रिमाइंडर फाइंड करना है तो आप या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं या कि रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं, क्लियर। तो यहां पे रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करने के लिए, रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका जीरोज फाइंड कर लेना। क्या फाइंड करना है, जीरोज। अब जीरोज किसका फाइंड करना है, जो भी सेकेंड पॉलिनोमियल गिवन होगा, मींस डिवीजर, एक तो डिविडेंड हो गया और एक डिवीजर हो गया, तो जो भी डिवीजर दिया होगा उसके सबसे पहले अपन को जीरोज फाइंड कर लेना, क्लियर। तो यहां पे जी एक्स क्या गिवन है एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस थ्री, क्लियर, ये इसका जीरो फाइंड हो गया। अब जो भी जीरो फाइंड होगा, एक्स की वैल्यू जो भी मिलेगी उसको गिवन पॉलिनोमियल पे पुट कर दीजिए, क्लियर। तो गिवन पॉलिनोमियल अपना क्या है पी एक्स है, तो यहां पे एक्स की जगह पे क्या पुट करना है माइनस थ्री। अब पी माइनस थ्री जो होगा वो गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा रिमाइंडर होगा, क्लियर। तो यहां पे पी माइनस थ्री इक्वल टू, अब यहां पे माइनस थ्री किसकी वैल्यू पुट किए हैं एक्स की वैल्यू, तो जो भी पॉलिनोमियल पे एक्स की वैल्यू गिवन है जहां पे भी होगी वहां पे अपन एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस सेवन इंटू माइनस थ्री एंड प्लस ट्वेल्व, क्लियर। अब माइनस थ्री का स्क्वायर तो थ्री थ्री का नाइन हो गया, माइनस का भी स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा थ्री थ्री का नाइन माइनस सेवन थ्री का ट्वेंटी वन प्लस ट्वेल्व। अब देखिए प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व, तो प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व कितना आ जाएगा प्लस का ट्वेंटी वन, माइनस ट्वेंटी वन ऑलरेडी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जीरो आ गया, क्लियर। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया जीरो, पी माइनस थ्री इक्वल टू हो गया जीरो, मींस गिवन पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कितना है जीरो आ गया, क्लियर। अब देखिए आपन को एक क्वेश्चन में और पूछ सकता है कि क्या पॉलिनोमियल जो पी एक्स है और जी एक्स, दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं तो पूछ रहा कि क्या जी एक्स गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है, क्लियर। तो इसमें फैक्टर होगा या कि नहीं होगा ये कैसे बता पाएंगे, यदि जी एक्स जो गिवन है उससे जीरो फाइंड करेंगे, उस जीरो की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल पे पुट करना है, यदि पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद उसका रिमाइंडर क्या आता है जीरो आता है, तो जी एक्स जो होगा वो गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर है, क्लियर। यदि रिमाइंडर में कुछ वैल्यू आ रही है तो उसका फैक्टर नहीं होगा, समझ में आ गया सबको। तो ये अपना रिमाइंडर फाइंड हो गया, ये तो रिमाइंडर फाइंड हो गया रिमाइंडर थ्योरम से। अब अपन डिस्कस करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना है, पीएक्स को जीएक्स से डिवाइड ही करना है ना, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर फाइंड होगा उसके बारे में डिस्कस करना है। तो यहां पे पीएक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व को डिवाइड कर दीजिए किससे एक्स प्लस थ्री से, क्लियर।
अब देखिए जो भी पॉलिनोमियल px और gx गिवन होंगे, तो सबसे पहले उसमें ये भी चेक करना है कि क्या जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या लिखा होगा, उसके वेरिएबल की पावर। यहाँ पे जैसे वेरिएबल क्या है, x है, तो यहाँ पे पहले x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। क्लियर? यदि मान लीजिए यहाँ पे x की पावर 1 पहले लिखा होता, x की पावर 2 बाद में लिखा होता, तो इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं। क्लियर? और रीअरेंज करने के बाद पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना। क्लियर? अब यहाँ पे डिवाइड करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म क्या है, x है। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे गिवन पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म मिल जाए। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म अपना क्या है, x है, तो x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर मिल जाए। यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, तो x की पावर 1 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, एड हो जाएंगी, तो 1+1 कितना आ जाएगा, 2। हमको केवल फर्स्ट टर्म से मतलब है, सेकेंड टर्म में कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो यहाँ पे अपना क्या करना है, x का मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? गिवन पॉलिनोमियल से, तो यहाँ पे आ जाएगा x का मल्टीप्लाई x से कितना आ गया, x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 3 से भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। देन सब्ट्रैक्टिंग, इसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड वाले जो एक्सप्रेशन होता है उसके सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंड वाला एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है, तो निगेटिव में आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव में है तो निगेटिव। अब ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल आउट होंगे, कैंसिल आउट करने के लिए ही तो ये स्टेप किया है। क्लियर? अब यहाँ पे प्लस का 7 माइनस का 3, प्लस 7 माइनस 3 कितना आ गया, 4, 4x आ जाएगा, साइन पॉजिटिव भी होगा और प्लस का आ जाएगा 12। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 4x है, तो यहाँ पे x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि अपने को 4x मिल जाए, तो x में मल्टीप्लाई करना है किसका, 4 का। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई x से 4x, प्लस 3 का मल्टीप्लाई भी 4 से करेंगे तो 3 4 का कितना आ जाएगा, 12। देन सबट्रैक्टिंग, माइनस, ये भी माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, रिमाइंडर विल बी 0। क्लियर? यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, अपना 0 आ गया। तो यदि रिमाइंडर 0 आ गया, इसमें भी वही, इस केस से भी वही आ रहा था, तो आप चाहे रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करिए या कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करिए, आपका जो रिमाइंडर होगा वो दोनों केसेस में क्या होगा, सेम ही होगा। क्लियर? समझ में आ गया सभी लोगों को? ओके, पॉज द वीडियो, वी नोटेड डाउन। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3, गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। क्लियर? पॉलिनोमियल क्या है, px है, ये अपना डिविडेंड कहला गया, जिससे डिवाइड कर रहे हो क्या होगा, डिवीजर होगा। डिवाइड करने के बाद कुछ फाइंड भी होता है, दैट इज क्वोशेंट, और लास्ट में जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अपना सेकेंड पॉलिनोमियल क्या है, जी, यदि मान लीजिए पी एक्स जी एक्स नहीं भी दिया है, ये अपने से लेट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि अपने को पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पी एक्स, और सेकेंड पॉलिनोमियल है जी एक्स, एक्स प्लस 1। तो इसमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए दो केसेस बताए थे, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा क्या है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर? तो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 फाइंड करेंगे, 0, जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, 0, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 1। अब जो भी x की वैल्यू फाइंड हुई है उसको पॉलिनोमियल पे पुट कर दीजिए, तो यहां पे लिख देना है, सो रिमाइंडर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल h p
माइनस वन, इसका रिमाइंडर क्या होगा गिवन पॉलिनोमियल p माइनस वन। तो यहां पे p माइनस वन इक्वल टू अपना पी एक्स ये दिया हुआ है, तो पी एक्स एक्स की जगह पे क्या लिख दिए माइनस वन, जो उसकी जीरो की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे p माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन, ये आ जाएगा माइनस वन का क्यूब, वन का क्यूब तो वन ही रहेगा, माइनस का मल्टीप्लाई और टाइम्स निगेटिव ही रहेगा, इवन टाइम्स होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वन प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और थ्री का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा प्लस का थ्री, फिर माइनस थ्री प्लस वन। यहाँ पे माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट, प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना हो गया जीरो हो गया। यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कितना आ जाएगा p माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्लियर। यहां पर लिख देंगे सो रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, क्लियर। गिवन पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जीरो होगा तब जब उसको x प्लस वन से डिवाइड करेंगे, क्लियर। इसी में सेकेंड केस है x माइनस वन वाई टू से भी डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, क्लियर। इसमें सेकेंड केस में क्या है व्हेन जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू, अब देखिए फर्स्ट में जी एक्स एक्स प्लस वन दिया था पॉलिनोमियल वही है, सेकेंड के लिए भी पॉलिनोमियल सेम है बट उसका जी एक्स चेंज हो गया है। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे जी एक्स को जीरो से क्रिएट कर देना है, टेकिंग जी एक्स इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाई टू आ जाएगी। अब यहां पे जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसमें एक्स की जगह पे वन बाई टू पुट कर दीजिए, जैसे फर्स्ट केस में किए थे, फर्स्ट केस आपका एक्स प्लस वन था, सेकेंड में एक्स माइनस वन बाई टू, यहां पे सेकेंड के लिए पी माइनस नहीं होगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाई टू, तो पी वन बाई टू इक्वल टू, अब यहां पे एक्स की जगह पे वन बाई टू पुट कर दीजिए, एक्स क्यूब मीन्स वन अपॉन टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू वन अपॉन टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन अपॉन टू प्लस वन, क्लियर। ये अपना पी वन बाई टू की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, जो लास्ट में आता है वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो वन अपॉन टू का क्यूब, वन का क्यूब कितना आ जाएगा वन एंड टू का क्यूब टू टू जा फोर टू जा एट, इसमें टू का क्यूब मतलब टू इंटू थ्री नहीं होगा, टू इंटू थ्री नहीं होगा, क्लियर। इसमें क्या करेंगे टू का थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, टू का थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई मीन्स टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। बहुत सारे बच्चे इसी में मिस्टेक कर देते हैं, क्लियर। टू की पावर थ्री मीन्स टू थ्री जा सिक्स, जो कि होगा क्या टू की पावर थ्री मीन्स टू टू जा फोर टू जा एट, क्लियर। प्लस थ्री इंटू वन अपॉन टू का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर हो गया, प्लस थ्री वन जा थ्री अपॉन टू प्लस वन। तो यहां से अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मीन्स वन ले लेंगे, अब डिनोमिनेटर एट फोर टू वन, इन सभी का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा एट होगा, एट फोर टू वन का एलसीएम कितना आ जाएगा एट। अब एट को एट से डिवाइड करिए वन, प्लस एट को फोर से डिवाइड करिए फोर टू जा एट थ्री टू जा सिक्स आ गया, प्लस टू फोर जा एट तो थ्री फोर जा ट्वेल्व आ जाएगा, क्लियर। प्लस एट को वन से डिवाइड करेंगे एट ही आएगा, एट वन जा एट इक्वल टू, अब ट्वेल्व प्लस एट ट्वेंटी प्लस सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस वन कितना आ जाएगा ट्वेंटी सेवन अपॉन एट, दिस इज द रिमाइंडर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्लियर। सेकेंड केसेस के लिए उसका रिमाइंडर कितना आ गया 27 अपॉन 8। आर यू अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट्स, ओके पॉज द वीडियो वी नोट इट डाउन। नाउ फोर्थ पार्ट जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस पाई, क्लियर। तो यहां से भी टेकिंग जी एक्स इक्वल टू जीरो देन एक्स प्लस पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो आ गया,
x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस पाई। क्लियर, x प्लस पाई को जीरो से केट करेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस पाई, देन रिमाइंडर p माइनस पाई इक्वल टू। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है माइनस पाई उसको गिवन एक्सप्रेशन पे पुट कर दीजिए। क्लियर, तो आ जाएगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। ये आ जाएगा माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। क्लियर, अब यहाँ पे ये माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। अब इसमें पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती 22/7। क्लियर, लेकिन 22/7 वैल्यू पुट करने से कोई सॉल्यूशन तो ज्यादा मिलेगा नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। x प्लस पाई से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो कितना आ जाएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में क्या है फोर्थ क्वेश्चन, इसी का फोर्थ पार्ट, सॉरी फोर्थ नहीं फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में है 5 प्लस 2x, gx अपना कितना दिया हुआ है 5 प्लस 2x। क्लियर, सिमिलरली gx इक्वल टू 0, 0 से केट कर दीजिए तो 5 प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5, देन x इक्वल टू माइनस 5/2। ये इसका 0 फाइंड हो गया। अब जो भी x की वैल्यू फाइंड हुई है उसको पॉलिनोमियल पे पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा p माइनस 5/2। px इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर देंगे माइनस को 5/2, देन माइनस 5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1। क्लियर, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए p माइनस 5/2 इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस 5/2 का क्यूब कर देना, किसी भी टर्म का यदि क्यूब करना है तो यदि उसमें निगेटिव लगा हुआ है तो आंसर किस में आएगा माइनस में ही आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अब 5 का क्यूब 5 5 जो 25 25 5 5 जो 125 अपॉन 2 2 जो 4 2 जो 8 प्लस 3 इंटू माइनस 5/2 का स्क्वायर, तो 5 5 जो 25 अपॉन 2 2 जो 4 आ जाएगा, ठीक 5/2 का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस 3 5 जो 15 अपॉन 2 प्लस 1। क्लियर, तो -125/8 प्लस 25 × 3 3 5 = 15 3 2 = 6 7/4 -15/2 प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, टेकिंग एलसीएम ऑल टर्म्स 8 4 2 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8 ही रहेगा, 8 से 8 कैंसिल आउट -125 प्लस 8 को 4 से डिवाइड कितना आ जाएगा 2 और 2 का 75 से मल्टीप्लाई 2 5 = 10 2 7 = 14 15 माइनस 2 से 8 को डिवाइड करना है 8 / 2 4 आ जाएगा 15 4 = 60 प्लस 8 1 = 8। अब देखिए यहाँ पे प्लस 150 प्लस 8 तो प्लस प्लस को इकट्ठा ऐड कर दें तो 158 आ गया, फिर माइनस माइनस को ऐड कर दें तो माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस ही रहेगा, तो 125 को 60 से ऐड कर दीजिए 581 कितना आ जाएगा 185 अपॉन 8। अब 1 प्लस माइनस माइनस 185 माइनस कितना आ जाएगा 158, 15 में 8 7 क्लियर, फिर 752 आ गया ये कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 27 माइनस का साइन बड़ा है तो -27 अपॉन 8 दिस इज द रिमाइंडर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। क्लियर, ये आपका आंसर है, समझ में आ गया ओके पॉज द वीडियो वी नोटेड डाउन।
Now second question. Given polynomial x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. Clear? अब इसमें question में क्या लिखा हुआ है? Find the remainder when given polynomial is divided by x minus a. Clear? तो इसमें remainder find करने के लिए जैसा अभी केस बताया उसी प्रकार similar लिख कर देना. Clear? सब में ये है. Gx की value क्या है? X minus a है. तो सबसे पहले x minus a को जीरो से केट करेंगे. इसमें क्या लिखेंगे? Since x minus a equal to zero, then x equal to a. Clear? So remainder of given polynomial is p a. Clear? Given polynomial का remainder क्या होगा? p a. तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? x की जगह पे a पुट कर देना. क्लियर? यदि कोई वैल्यू जाती है कांस्टेंट वैल्यू उसको पुट कर देना है. वेरिएबल में होगा वेरिएबल वैल्यू पुट कर देंगे. प्रोसेस बाकी सेम रहेगी. तो यहाँ पे पी ए तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे? a, a का क्यूब माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a. क्लियर? तो a का क्यूब कितना हो जाएगा? a क्यूब माइनस a स्क्वायर का मल्टीप्लाई a से. मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी? एड a की पावर 1 इनटू a की पावर 2 कितना आ जाएगा? a की पावर 3 प्लस 6a माइनस a. तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो गया. अब यहां पे क्या है? 6a माइनस a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5a. तो यहां पे जो अपना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल्स इज 5a. ये आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर? कुछ भी नहीं किए, जैसे सिमिलर प्रोसेस जैसे पहले क्वेश्चंस में किए थे उसी प्रकार से इसको भी फाइंड कर लेना. क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इसमें क्या दिया हुआ है? चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल. अब यहां पे px अपना कितना दिया हुआ है? px मींस क्या होता है? जिसको डिवाइड करते हैं. अब डिवाइड किसको करना है? 3x क्यूब प्लस 7x. 3x क्यूब प्लस 7x. क्लियर? और सेकेंड क्या है जिसको चेक करना है कि क्या ये फैक्टर है गिवन पॉलीनोमियल का या कि नहीं है. तो gx इक्वल टू कितना है? 7 प्लस 3x. क्लियर? अब चेक करने के लिए क्या बताए थे? रिमाइंडर फाइंड करना है. सेम प्रोसेस रिमाइंडर फाइंड करेंगे. यदि रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आएगी मींस 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल. क्लियर? और यदि जीरो नहीं मिलता है तो गिवन पॉलीनोमियल का फैक्टर नहीं होगा. बस इतना चेक कर देना. जैसे रिमाइंडर फाइंड करते थे सेम प्रोसेस उसको भी करना है. बस एक लाइन आप आगे और प्रोसीड कर देना है. क्लियर? यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 देन 3x इक्वल टू माइनस 7 x इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 3. x की वैल्यू मिल गई. अब यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे? p माइनस 7 अपॉन 3. जो भी पॉलीनोमियल दिया हुआ है उसकी जगह पे माइनस 7 बाई 3 पुट कर देंगे. तो ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस 7 अपॉन 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7 अपॉन 3. तो ये आ जाएगा 3. इसका क्यूब करेंगे तो 7 से बन जाए 49, 49 से बन जाए 343 अपॉन 3, 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 49 अपॉन 3 आ गया. तो इससे कैंसिल हो जाएगा. 31 जा 39 जा कितना आ गया? माइनस का 343 अपॉन 9 माइनस 49 अपॉन 3. क्लियर? अब इन दोनों के एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 एंड 3 का 9 आ गया. तो ये आ जाएगा माइनस 343 माइनस 33 जा 9. तो 3 का मल्टीप्लाई 49 से, 39 जा 27, 34 जा 12 टू 14. अब यहाँ पे ये माइनस का 343 माइनस कितना आ गया? 147. तो 343 को 147 से ऐड कर दीजिए. 7 3 10, 4 4 8 1 9 एंड 3 1 4 कितना आ गया? माइनस का 490 अपॉन 9. क्लियर? अब यहाँ पे p माइनस 7 अपॉन
थ्री की वैल्यू ये आ गई, मींस रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस पी माइनस सेवन अपॉन थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो सेवन प्लस थ्री एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल। क्लियर, यदि p माइनस सेवन अपॉन थ्री की वैल्यू जीरो की इक्वल होती तो गिवन पॉलीनोमियल का फैक्टर होगा। क्लियर, समझ में आ गया सब लोगों को। चलिए इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। क्लियर, यदि किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फाइंड हो सके। क्लियर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।